बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा शुभ और सुचेता को, जिन्होंने इंस्टीट्यूट मेघालय में शुरू किया तकरीबन एक साल पहले। इसकी खासियत ये है कि वो वहाँ के बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहे हैं, नॉट ओनली इंडियन बट इट्स इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूज़िक, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, क्रिएटिव एक्सेलेंस। एंड अच्छी बात यह है कि पूरा फ्री सिखाते हैं वो, और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, और आज ये बहुत बेहतरीन इवेंट यहाँ पर था, यहाँ पर जिन्होंने बच्चों ने अपना म्यूज़िक जो कंपोज किया है, लिखा है, गाया है, वो उसका प्रदर्शन किया। एंड मोर फ्रॉम द एक्चुअल द रियल टैलेंटेड म्यूजिशियंस हियर। सी, सबसे हमें जो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, और यहाँ अलग चीज़ ये लगी कि एक तो बॉम्बे में तो बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, बट ऑल द वे मेघालय जाके ऐसे स्टूडेंट्स को सिखाना जिनको हिंदी भी नहीं आती ठीक से, और वो इतनी अच्छी उन्होंने सरगम करी और जो सुचेता मैम ने उनको सिखाया, इट्स पार एक्सीलेंस। एंड खुशी होती है कि जेन्युइन एफर्ट्स हैं, कमर्शियल और सब दुनिया पैसे के लिए कर रही है और फेम के लिए कर रही है, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन टैलेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इट। क्या भी इसको लेके कोई ऐसा एल्बम तैयार करेंगे या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे? तो शुभो जो हैं, जो कि प्रमोटर हैं इस एकेडमी के, उनके साथ हमारी टाइप की बात चल रही है, एंड दैट्स व्हेन वी गॉट टू नो कि ये भी एक इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बिल्कुल, हम लोगों ने आजकल कोलैबोरेशंस का ही ज़माना है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि साथ में मिलके म्यूज़िक करें बच्चों के साथ, क्योंकि इतना टैलेंटेड यंग स्टूडेंट्स, इतने सारे मेघालय में इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो शुभो जी बता रहे थे कि उन यू नो दे कैन ऑल कम टू बॉम्बे एंड वी कैन कोलैबोरेट, ये एक्टिंग करें, हम म्यूजिक बनाएं और ये पढ़ाएं इनके सेंटर ऑफ यू नो एक्सीलेंस, क्रिएटिव एक्सीलेंस। यस, दे आर डूइंग ग्रेट। दोनों भाइयों की राय जानना जरूरी। क्या है कि शुभो जो हैं वो, उन्होंने हमें पहली फिल्म में मौका दिया था, तो हमारे वो प्रोड्यूसर हैं और हमें लॉन्च किया था दो दुनी चार, जो हमारी पहली फिल्म थी और जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला, तो ये उसके प्रोड्यूसर थे। तो हमारी इनसे जो जान पहचान है वो तब की है, और तब से हमें पता था कि इनका म्यूज़िक का सेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने हमें लिया था। तो हम तभी समझ गए थे कि ये बहुत आगे जाएंगे, इनके कान बहुत अच्छे हैं, इन्होंने जो हमें ब्रेक दिया तो कोई बात होगी इनमें। बट एनीवेज, तो जोक्स अपार्ट, बट ये जैसा अरमीत ने कहा कि बम्बई में रह के काम करना बहुत आसान होता है, इतनी दूर जाकर दोनों मियाँ बीवी मिलके एक म्यूज़िक में, एक इंडस्ट्री में लोग पैदा कर रहे हैं और हमारे इंडियन म्यूज़िक को वहाँ तक लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हिंदी बोली भी नहीं जाती, तो वी आर वेरी हैप्पी। इसलिए डीप मनी भी आए हुए दिल्ली से, इनको पता लगा ये भी आ जाए कि ऐसी जगहों पे हमें कोलैबोरेट इसलिए करना है, क्योंकि आपने हमारे जितने गाने सुने, बेबी डॉल में हमने कनिका कपूर को लॉन्च किया था, और भी नेहा, अंकित, सबको हमने अपने अपने हिसाब से उनको हमेशा आगे पुश किया है। सो वी ऑलवेज लुक फॉर न्यू टैलेंट, हमें ये लगता अच्छी आवाज़ें और नई आवाज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नॉर्थ ईस्ट का टैलेंट बहुत अमेजिंग है, और हमारे ज़्यादातर यहाँ के जो साउंड इंजीनियर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, और जो प्रोग्रामर्स प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, और गिटारिस्ट जितने भी, जो बेहतरीन गिटारिस्ट जो आज बम्बई में जो आप सुनते हैं, कल्याणदा, ध्रुवादा, पवनदा, और भी बहुत लोग हैं, और गौतम चक्रवर्ती हैं, और जो मेन उडिपन शर्मा हैं जो मिक्स इंजीनियर हैं, जतिन शर्मा हैं। सो दो वो एक वहाँ का जो एक स्पेशली गिटारिस्ट जो वहाँ से आते हैं, वो मेरे को लगता है इंडिया में बेस्ट गिटारिस्ट प्रोड्यूस करता है नॉर्थ ईस्ट। सर, यंग टैलेंट की बात करें तो फिर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन्हें, या सारे कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म लिया जाए तो क्या आगे चल कॉम्पिटिशन और टॉप होने वाले देखा जाए तो फिर? वही दीपनी साहब, सर आप प्लीज़, कॉम्पिटिशन तो जितना टफ होगा उतना अच्छा टैलेंट बाहर निकलेगा, और ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम पे तो कोई पूछता ही नहीं था, भैया अपने घर पे बैठ के हारमोनियम में गा रहे हैं या बाथरूम में सिंगिंग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या था, कोई गुरुजी होते एक शहर में वो सिखा देते। आज ये एक्सपोजर जो आज मिल रहा है, ये तो कभी लाइफ में मिला नहीं। थोड़ी एक डेमोक्रेसी भी आ गई है म्यूज़िक को लेकर, पहले आपको बहुत डिपेंडेंट होना पड़ता था म्यूज़िक कंपनी को लेकर, आज भी वैसे रेडियो आपका गाना बजाए या ना बजाए, उनको अगर मार्केटिंग स्पेंड्स ना आप खर्चें तो हो सकता है ना बजाए, सही बात है। लेकिन सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पे इस इवेंट पे भी डायरेक्ट अपलोड किए गए थे गाने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे, और वहाँ पर रिलीज़ कर दिए गए। एक गाना राही ने गाया है, लिखा भी है, और एक कैमरा उठाया, वो कश्मीर में था, बहुत ही बेहतरीन गाया उसने, बेहतरीन लिखा है, शूट भी अच्छा किया, और उसको आई एम श्योर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा होगा, वीडियो एडिट किया, साउंड डिज़ाइन किया और अपलोड किया, और एक स्वतंत्रता है, एक डेमोक्रेसी है म्यूज़िक को लेकर। सो जहाँ तक आपका सवाल था कंपटीशन का,
मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी टैलेंटेड लोग कंपटीशन से घबराए हैं। कंपटीशन का एक और बहुत अच्छा है कि आजकल इतनी साइंटिफिक रिसर्च आ गई है कि हर इंसान अलग बना हुआ है साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से। तो जैसे हमारा ये स्टूडेंट है राही, इधर आइए जरा, ये एक बॉर्न बाय बर्थ ए टैलेंटेड बच्चा है। यस, और तुम्हें कंपटीशन के बारे में क्या फील होता है? डू यू फील थ्रेटन्ड? नहीं, इनके मुंह से सुनिए आप। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। हर एक का अपना अपना जॉनर होता है और ये हम चूज नहीं करते, ये अल्लाह हमसे चूज करवाता है। ये है कि देखिए ये लोग, मतलब हम लोग जब आए थे बॉम्बे, जब हम लोग इसकी उम्र के थे 20 साल के, हम कैमरा देख के भाग जाते थे। 3 साल पुरानी बात कर रहा है लेकिन अभी भाई आके इसने इतनी सूफी बात बोली। तो दे आर नॉट वरीड अबाउट कॉम्पिटिशन, दे फोकस ऑन वर्क। आजकल यूट्यूब चैनल है, खुद का गाना बाथरूम में रिकॉर्ड करके शूट करके वहीं से अपलोड करते हैं। और ज़रूरी ये भी है कि जो इसने बात कही कि अल्लाह खुद चूज़ करते हैं कि हम, ये जो ज़मीन से जुड़ी उन्होंने बात करी है, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको फेम मिले, सक्सेस मिले, जब गाने हिट हों, तो ये बात याद रखें, कभी भूलें नहीं। तब ये नहीं लगना चाहिए आज मैं बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर हो गया हूँ, मैं तो खाली सीडी बेचता हूँ तो बिक जाती हैं, ऐसी कोई बात आपके मुँह से नहीं निकलनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि आदमी की कोई पर्सनल कोई औकात नहीं होती, ये सब ऊपर वाला और ये समय कराता है, ईश्वर कराता है। और अच्छे से अच्छा टैलेंटेड आदमी भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो से आदमी टैलेंटेड हो जाता है। तो जब आप हिट होंगे तब भी आप ये बात याद रखें और ज़मीन से जुड़े रहें, और जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है इनको हमेशा, आज हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि शुभो ने हमें लॉन्च किया था, पहली पिक्चर थी, लेकिन हम वो भूले नहीं और ना भूलेंगे कभी। तो ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। बेबी डॉल सुनना चाहते हो क्या? देखो स्ट्रगल सबका होता है, सारे सुनो, लेकिन आपका स्ट्रगल जो है अलग तरीके का था। कौन सा ऐसा जिससे आपकी लाइफ बदल दिया, फिर आपकी लाइफ का मेन का? गा के सुना देते हैं, भूलने से क्या होगा। यहाँ थोड़ा एंटरटेन भी करते, नहीं तो पब्लिक बोलेगी यार इंटरव्यू तो रोज सुनते हैं। गोरे गोरे पैरां विच नचदी नु पेण होवे लाल झंडुआ म सोणीए, नच नच थक जाएंगी बाहां विच मेरी अज कर ले आराम सोणीए। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल सोने दी, ओ बेबी डॉल मैं सोने दी। इनकी पिक्चर का भी तो गाना गा रहा है, ये सोने के ही है। वैसे बास्केटबॉल भी काफी अच्छा खेलता है, हमारी दोस्ती हुई थी जब हम बास्केटबॉल खेलते थे। मैं अब इजाजत चाहूंगा, एक मुसमुसो आ गया, मुसमुसो शान था या शान चला गया? चला गया। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आप आज के इवेंट के बारे में? थैंक्स टू बड़े भाई, इन्होंने पहली बार लॉन्च किया बॉलीवुड में, सबसे पहले इनको थैंक यू, फिर मैम को और भाई को बहुत बहुत मुबारकें। विनोदी मीटिंग में पहला गाना हमारा कल ही टुनाइट जो आया वो दीप ने गाया है, तो दीप को बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में मेरे दोनों बड़े भाई लेके आए हैं। एंड सेम इनके लिए मैम को और सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, जो नया रॉ टैलेंट लेके आ रहे हैं मेघालय से, जहाँ से भी, तो रियली ग्रेट। आपका जो बोला है भाई, पाजी ने बोला है अल्लाह को याद रखना हमेशा, और ये माँ बाप, जिन अगर आपने इनको माँ बाप बोला तो माँ बाप ही समझ जी जी आपसे। और मैं चाहूँगा कि ये जरा अपना जो आपका सुपरहिट गाना डूब शो जरा गा के बता के उनको, बच्चों को आप थोड़ा एनकरेज करें। ओ आजमा के वेखे नी तू नशे सारे, होना की है तेरा अगे मुटियारे, निरी सुक्की वोड का ना मारिया करो, थोड़ा बहुत लिमका भी पा लिया करो, नाले थोड़े टिक्के शिक्के तुसी खा लिया करो, एवें खाली ढिड लिवर ना साड़िया करो, हो ना भी ना डोप शोप मारिया करो। इसे कहते हैं सूफी पंजाबी। सो फाइनली सर क्या एडवाइस क्या देना चाहेंगे न्यूकमर्स लेने का, जो तो फिर और सेकंड सर की कोई एल्बम आ रहा है जैसा आज आपने यहाँ पे देखा कि बच्चों ने कैसे खुद अपना गाना बनाया, वीडियो बना लिया और उसको अपलोड कर दिया गया है। तो सिंगल और इंडिपेंडेंट म्यूजिक का ज़माना है और हमारे चार नए सिंगल्स आ रहे हैं अलग अलग, जितने भी आप लोग के जो सब फेवरेट सिंगर्स हैं, कनिका कपूर, सोनू निगम वगैरह, जितने भी जो अच्छे सिंगर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में आ रहे हैं। तो इस बार पिक्चरें तो आएंगी लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक मिलेगा आपको सुनने को, उम्मीद से। नहीं, हमारे लिए तो रोज़ वुमन डे है, हमारी तो शादी हो चुकी है, सुबह सुबह उठने से रात तक वुमन डे ही चल रहा होता हमारी लाइफ में। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन पर्सन मैटर करता है वुमेन से बात करें तो आपके लाइफ में? सी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मदर ही होती है दुनिया में, माँ से बड़ा तो आदमी कभी, आज भी गिरते तो मम्मी निकलता है ना, अरे बीवी थोड़ी निकलता है। वाइफ तो होती है लेकिन वाइफ तक पहुँचने का जरिया तो माँ होती है, तो हमेशा पहले जिसने जो पहला होता है उसको नहीं भूलना। अगर आपका हाँ कौन कौन इंपॉर्टेंट है तो उसमें डेफिनेटली मदर, वाइफ, बहन होती हैं, पर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा तो फिर माँ। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।